अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, ऐसे तमाम तरह अफराद जिनको थोड़ी सी फ़ोन पर कोई ऐसी वैसी बात कर लें तो उससे मजी खारिज होती है, मनी आना शुरू हो जाती है, या फिर किसी भी किस्म का कोई फाश मवाद देखते ही जिनको मजी आती है, और इसके अलावा ऐसे तमाम तरह अफराद जिनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और कमज़ोरी हो चुकी है, ताकत नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, नफ्स में इंतशार मुकम्मल नहीं आता, नफ्स ढीला रहता है, तो ये नुस्खा जो है सरत अंजाल का किला कुमा करता है, कुव्वत बा को ज़बरदस्त तकवीक देता है, और इसके अलावा रतूबत और मनी को ज़ाया होने से रोकता है और आपकी हम बिस्तरी की लज्जत को बढ़ाता है। ये ऐसा ज़बरदस्त और आला नुस्खा है। इस नुस्खे में सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों का इस्तेमाल है, कोई महंगा नुस्खा नहीं है। ये इस नुस्खे को बनाकर हर खासो आम फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल बेज़र्र नुस्खा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बासानी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। ऐसे तमाम तर अफराद जिनको सरत अंजार का मसला है, टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कुव्वत बाद जो है बिल्कुल कम हो चुकी है, नफ्स में इंतशार बिल्कुल नहीं, या फिर जिनको फ़ोन पर बात करने से कतरे आते हैं, बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त है। नुस्खा क्या है तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इस नुस्खे में आपको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है अस्पंद। अस्पंद आपको चाहिए होगी 50 ग्राम, पोस्त कोकनार आपको चाहिए 50 ग्राम, और काले तिल, तिल स्याह आपको चाहिए होंगे 50 ग्राम। आपने इन तीनों चीज़ों को घर में ला के पहले साफ़ करें अच्छे से, ठीक है, और इनको बिल्कुल बारीक सफूफ बना लें। बारीक करने के बाद आप इसको महफूज करके रख लें। अब इसकी खुराक इस्तेमाल ये है कि एक खाने वाला चम्मच आप रोज़ाना सुबह शाम दूध से खाएं, ठीक है, पहले हफ्ते में ही ये आपके अंदर से तमाम तर कमज़ोरी को दूर करके, ठीक है, आपके मादे को गाढ़ा करता है, ताकत देता है आपको, टाइमिंग को बढ़ाता है, और फ़ोन पर बात करने से जो कतरे आते हैं उनके लिए भी बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इस नुस्खे को आप आसानी घर पे बना सकते हैं तो बनाएं, अगर नहीं बना सकते तो बना बनाया हमसे मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।